सबसे पहले जो आप तैयारी कर रहे हो, पीसेस तैयारी कर रहे हो, यहां तक हमने वीडियो देख ही लिया है तो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना स्वैट एनालिसिस कीजिए। स्वैट एनालिसिस कीजिए, क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, क्या होती है स्ट्रेंथ आपकी, कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना आपकी। जैसे अगर मैं अपनी बताता हूं आपको, मेरी स्ट्रेंथ रही है कि मैं दुनिया भर की बातें मुझे पता रहती हैं। अब ये क्या मतलब है, नहीं इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर दुनिया भर की, मतलब मेरी जो नॉलेज का जो रेंज है वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहा है, मुझे हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता रहता है, ये मेरी ताकत है। ठीक है, कि अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मुझे वो भी पता है, स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो मुझे वो भी पता है, हर चीज के बारे में, ये मेरी हमेशा ताकत रही। ठीक है, कमजोरी की बात करें, वीकनेस क्या रही है, आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है। जैसे मेरी वीकनेस क्या है कि मुझे फैक्चुअल डेटा याद करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ रही है वो दुनिया भर की बातों को समझना, एनालाइज करना हमेशा रहा है, तो मेरा यह पक्ष बहुत कमजोर था कि मैं फैक्ट्स याद नहीं रख पाता था। इसीलिए मुझे पीसीएस प्री में जो फैक्ट्स पूछते पूछे आते थे, डेट्स पूछी आती थी, वो ठीक से याद नहीं होता। आज भी मुझे अगर आप मुझसे पूछो कि पॉलिटी के बारे में, तो समझाने को मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर मुझसे आप आर्टिकल का पूछ लोगे, सर बताइए आर्टिकल 105 क्या है, तो मुझे नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वही मेरी वीकनेस है। ईश्वर ने सबको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दी है, आप कैसे इस्तेमाल कर पाते हो यह आपके ऊपर है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा, स्ट्रेंथ को वीकनेस को, तब जाके तैयारी कर पाया हूं। और आपके साथ भी कुछ होगा, कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको याद रखना उनकी ताकत है, क्यों याद रख पाते हैं, बट उनकी एनालिसिस कमजोर होगी। तो अब यहां पर समझना पड़ेगा कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओ, जैसे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, वो आपको हेल्प कर दे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो। किसी की ताकत होती है लिखना, बहुत अच्छी ताकत होती है, लिख सकते हैं आप। मैं मेंस की बात करता हूं, जैसे राइटिंग बहुत खराब रही, तो राइटिंग जब खराब रही मेरी, तो मैंने उसको एक समाधान निकाला उसका, कि जब भी मैं आंसर लिखता था, मैं पिक्टोरियल डायग्राम में लिखता था, यानी कि पॉइंट्स में लिखता था, मैं ज्यादातर डायग्राम बना देता था, पैराग्राफ में कभी नहीं लिखा मैं ज्यादा, क्योंकि मुझे पता कि मेरी राइटिंग खराब है, मेरी लिखने की कला उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहा तो वो शायद उतना डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन चूंकि एनालिसिस बहुत तेज थी मेरी, तो मैंने डायग्राम बना बना के मैंने चीजों को किया, यही कारण है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले मेंस में। आप भी समझो, ईश्वर ने आपको भी कुछ ना कुछ दिया है, समझो क्या ताकत है क्या कमजोरी है। ठीक है, फिर आपकी मौके कौन सी, अपॉर्चुनिटीज कौन सी है आपके अंदर, और थ्रेट क्या रहेगा, थ्रेट हो सकता है फाइनेंशियल थ्रेट, जॉब का थ्रेट, पैसे का थ्रेट, हेल्थ का थ्रेट। ठीक है, तो वो थ्रेट्स क्या है, इन सब को जब एनालाइज करोगे तब आप एक सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए, एक सही प्रोसेस बनाइए, सही अपना एक सही प्रोसेस तैयार कीजिए। कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई किताब, कोई नोट्स आपको सफल नहीं कर सकता, आपका अपना प्रोसेस आपको सफल करेगा, आपका अपना प्रोसेस सफल करेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। और पढ़ाई जो है वो एक स्टेज में नहीं है, जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि लेयर दर लेयर होती है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी होती है। पहले स्टेप पे आप कोशिश करो कि बेसिक वीडियोस पीडीएफ वगैरह देखो, ये बेसिक पढ़ो आप, कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को उनको बेसिक वीडियोस और पीडीएफ पहले देता हूं मैं उनको, कि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, फिर उनका मैं टेस्ट लेता हूं सेकंड स्टेज पर। ठीक है, कि वो चीज याद कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और जब एक बेसिक याद हो जाता है तो मैं एडवांस में जाता हूं। आप भी कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि कोई 4 घंटे का वीडियो मिल गया, बस उसको देख डालेंगे और बन गए पीसीएस। नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे, मैं लिख के देता हूं, नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्योंकि दिमाग ऐसे काम करता ही नहीं है। तो आप भी अपना एक प्रोसेस बनाइए जो आपके स्वैट एनालिसिस के बाद बना होना चाहिए, कि आपकी ताकत क्या कमजोर क्या, वैसा प्रोसेस बनाइए। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, एक रोड मैप जरूरी है पीसीएस 2024 के लिए। देखिए मैं पहले से बताता हूं कि क्या है ये पीसीएस 2024 के लिए, ये पीसीएस गुरु जी का है, मैंने अपने कोचिंग के लिए 2024 के लिए कि रोड मैप क्या होगा बनाया। आपको भी ये रोड मैप बनाना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि प्रोसेस कैसे बनेगा तो मैं यहां बता रहा हूं आपको। जैसे कि स्टार्टिंग में 135 दिनों के अंदर, 135 डेज के अंदर, प्रिसाइसली बोल रहा हूं प्रिसाइसली, एक एक टॉपिक को मैंने नोट किया हुआ है कि 135 दिन के अंदर पीसीएस प्री खत्म होना चाहिए। अगर मैं 2024 में सिलेक्शन करवाना चाहता हूं आपका, तो मेरे पास 365 दिन ही हैं, तो उसके अंदर 135 दिन ऐसे होंगे जिसमें प्री खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद अगले 150 दिन के अंदर आपके लिए
मेंस खत्म होना चाहिए, नोट्स बनने चाहिए, खत्म होने चाहिए, दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये तरीका बनाना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा कब कब कौन सी खत्म हो रही है। एज अ कोचिंग मैंने तैयार किया है, एज अ स्टूडेंट आप भी अपने लिए तैयार कीजिए, कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको यहां से हेल्प ले सकते हो। आपने प्री पढ़ा, आपने मेंस पढ़ा, अब देखिए आखिरी के दो महीने क्या होंगे, टेस्ट सीरीज की बात करेंगे प्री के लिए, क्योंकि ये समझिए कि ये है 2024 का आपका मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा है, और अंतिम 60 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आपने ये पढ़ा हुआ है वो याद हो जाना चाहिए, ये कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आपने प्री क्रैक किया तो अंतिम 100 दिन जो बचेंगे प्री और मेंस के बीच में, वहां पर मेंस की टेस्ट सीरीज चलनी चाहिए, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए 100 दिन के अंदर, जो आपने यहां पढ़ा है वो यहां पे काम आ जाएगा आपके, ठीक है। फिर आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, और उसके बाद तो पार्टी तो करनी करनी है, पार्टी तो बनती है, फिर बनेगी। सिविल सर्विसेज पंचवर्षीय योजना नहीं है साहब, अगर आप सही तरीके से प्रोसेस बना रहे हो, ठीक है, ये पेपर में लग रहा है, हो सकता है आप कहो कि यार सर बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, अरे 70% कर पाओगे ना, क्या दिक्कत है, 70% तो गोल अचीव कर लिया आपने, लेकिन बिना रोड मैप के कैसे तैयारी करोगे, कुछ भी तो नहीं पता आपको। आपके पास मान लेते हैं फरारी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी बहुत ही चलती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहां जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे आप। लेकिन अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है तो पैदल पैदल भी चलोगे तो भी कभी ना कभी तो पहुंच जाओगे ना, देर सवेर पहुंच जाओगे। तो भैया एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां से और अपना एनालिसिस, जैसे कि टेस्ट देख रहे हो, ये टेस्ट चार्ट है, ये अपना एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट दीजिए इसलिए बताओ उसको, एक एक टेस्ट को आप यहां पर नोट करो कि क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि जो चीज मेजर नहीं कर सकते, यानी जिस चीज को हम नाप नहीं सकते उसको सुधार भी नहीं कर सकते, जिस चीज को हम नाप नहीं सकते हैं उसमें सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए ये लिखिए, पता लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहां जा रही है, ठीक है। ये देखिए एक एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, ये हैंड मेड है क्योंकि कॉल्स करनी पड़ती है, एक एक ब्रेक पेज दिया हुआ है, सबकी परफॉर्मेंस देखिए, ये देखिए टेस्ट नंबर 5 B C D ये सब चल रहे हैं, एक एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मापना पड़ता है, तब जाकर सिलेक्शन होते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अब ये जो लोगों ने नहीं दिया, इनको कॉल की जाती है कि भाई टेस्ट दो, अब दो चीजें होती हैं, या तो ये हाथ जोड़ लें साहब आप हमें कॉल ना करो हम नहीं दे पाएंगे, ये मेरे ज्वाइन के स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं फ्री वाले स्टूडेंट हैं, ज्वाइन के स्टूडेंट हैं, ज्वाइन करने के बाद लोग टेस्ट नहीं देते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, तो या तो मैं बोल रखा, या तो ये लोग बोल दें कि सर हमें कॉल मत करो हमने आपसे हाथ जोड़ लिया हम नहीं कर पाएंगे हमारी बस की बात ना है, तब तो कॉल बंद हो जाती है, अन्यथा पीछे पड़ते हैं भाई, आपके पीछे पढ़ के ही सिलेक्शन होता है, और ये सब 30+ वाले मैक्सिमम लोग इसके अंदर जॉब करने वाले हैं, बीवी बच्चे वालों हैं, ठीक है, देखिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी एक यहां पे चीज देखिए, एक ना फनल तैयार किया हुआ है, कोचिंग का ही है, जान रहा हूं कि पहला स्टेप है, जब लोग कॉल करते हैं यहां पे, जब कॉल आता है तो पहला उम्मीद होता है कि काउंसलिंग कर सके, आपका प्रॉब्लम पे फोकस कर सके, आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, जब कुछ नया इंसान, जब नए यूथ आता है तो उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, एक हाउसवाइफ करेगी तो उसकी अलग प्रॉब्लम है, जॉब करने वाला आदमी उसकी अलग प्रॉब्लम है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसका सजेशन देना जरूरी है। अब मान लो कोर्स ज्वाइन करता है, ठीक है, तो कोर्स में क्या है, सबसे पहला स्टेप मैं पहले बताता हूं, वीडियो और पीडीएफ देना है, कि भाई पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, तो कौन, तो अब यहां पर आपको पहले वीडियो पीडीएफ दिया जाता है, और कोशिश बोला जाता है कि पहले आप स्लो स्टार्ट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप ब्रेन विल प्ले, दिमाग तो गेम खेलेगा, तो इसको हराने के लिए जरूरी है कि स्टार्ट स्लो होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे लेवल पे जो टेस्ट होगा, इससे एक आपको मोमेंटम मिलता है कि भाई धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, एक मोमेंटम बना, आपने एक घंटे से स्टार्ट किया, एक घंटा पढ़ा, एक हफ्ता एक घंटा पढ़ा, फिर आपने आधा घंटा पढ़ा दिया, डेढ़ घंटा हो गया, फिर धीरे धीरे करते करते डेढ़ से दो घंटे हो गए, दो से ढाई घंटे हो गए, और मोमेंटम मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। टेस्ट नहीं दे पाते हो किसी कारण से तो कॉल किया जाता है, क्यों, कि आपको डिसिप्लिन कर सके, कॉल करते हैं भाई क्या कर रहे हो, एक कॉल एक मैसेज का प्रभाव इतना पड़ता है कि लोगों की अंतरात्मा जग जाती है, लोग लगता है यार गड़बड़ कर रहे हैं, अंतरात्मा जग जाती है, और फिर वो टेस्ट देना शुरू करते हैं, तो आपको डिसिप्लिन करने के लिए, और जब ये प्रोसेस रिपीट होता है तब जाके आपके सिलेक्शन होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, और ये ऐसा नहीं कि कोचिंग का बनाया हुआ है, आप अपने लिए भी बना सकते हो, ये तो मैं अपने कोचिंग के लिए बना रखा है कि
किस तरह से हम काम करेंगे, इसको आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से जो मैंने कहा प्रोसेस उसको इस्तेमाल करके आप कर सकते, लेकिन प्रोसेस होना, रोड मैप होना बहुत जरूरी है कि पता तो लगे कहां क्या कर रहे हो। किताबें इकट्ठी कर ली, लाइब्रेरी बना लिया, लेकिन क्या उन किताबों का सही इस्तेमाल हो पा रहा है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि अब जब प्रोसेस आप करते हो, रिपीट करते हो, तो कुछ सिलेक्शन आप देखिए, ये देखिए सब 30+ वाले लोग हैं, 30+ वाले सब लोग हैं। सबसे मुश्किल काम मैंने किया जिंदगी में इन 30+ बीवी बच्चों के साथ जो है इन सबको पीसेस बनाने का काम, आसान काम नहीं होता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सही प्रोसेस करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अब खत्म करने से पहले छोटी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, या तो आप ये प्रोसेस खुद ही कर लो, मैं सब तरीका बता दिया है, नहीं अगर लगता है तो दिक्कत आ रही है तो फिर करो। अब इसमें अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर, ये कोर्स ये 2023 का क्रैश कोर्स चल रहा है प्री वाला, अगर आपको अभी 100 दिन बाकी जब से ये वीडियो बन रहा है चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियो PDF टेस्ट रहेंगे, इसकी फीस जो है 2499 रहेगी। अगर आपको लगता है 100 दिन में आप कर सकते हो, अगर आप 100 दिन में 7-8 घंटे पढ़ सकते हो तो प्लीज मुझे इसके लिए कॉल कीजिएगा, क्योंकि अभी 100 दिन कम नहीं होता है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समय है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर समय नहीं है, आपको लगता है समय निकल गया है, तो 2024 की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा ये, और ये रहेगा अक्टूबर 2024 तक, यानी कि अक्टूबर 2024 तक ये कोर्स चलेगा, प्री प्लस मेंस का रहेगा। ठीक है, इसमें वीडियो PDF टेस्ट वही प्रोसेस रहेगा, इसकी फीस रहेगी 5,999 रहेगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं सर नहीं हमें तो मटेरियल पढ़ लिया है, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो लगभग 150 से ज्यादा टेस्टों का जो है सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का वो ये तक जरूर करना आप। ये अगर आपने पढ़ाई कर कितनी भी पढ़ाई कर ली है तो मैं आपसे ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है किसी भी किताब से, वीडियो से, लेक्चर से, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि आप प्लीज मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अपने दिमाग को दिमाग के भरोसे मत बैठिए, आप पक्का भूल जाओगे। याद रखने के लिए एक टेस्ट दीजिए, और इसकी फीस ज्यादा नहीं है, 1499 है। आप चाहें तो इस नंबर पर 9991952155 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना फिर से कहूंगा, एक सही प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस से ही सिलेक्शन होता है। दुनिया में कोई भी रैंडमली नहीं सफल हुआ है, तो आप भी प्रोसेस बनाइए, बना पाए बहुत सी बात है, नहीं बन रहा है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर आप यहां पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर आप गाइडेंस बनाना चाहते हैं, तो इनमें से कोई सा भी कोर्स कर लीजिएगा, मेरी गाइडेंस रहेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं कुछ मामलों में, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए रहेगा, आपको सफल करना ही मेरा अंतिम गोल रहता है। मैंने जो प्रोसेस बनाया है उसके माध्यम से आपको जरूर सफल कराऊंगा। बाकी कॉल कीजिए, बात कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, धन्यवाद।